नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मथुरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का संस्कृति यूनिवर्सिटी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संस्कृति कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के जिला परीक्षण शिविर में भाग लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं से मथुरा में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की। वहीं मौके पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी। देश में बिजली संकट और ज़्यादा गहराता नजर आ रहा है। बता दें कि गैस की कमी से कई पावर प्लांट बंद हो गए हैं। लखनऊ में बीजेपी विधायकों को बिजली संकट को लेकर चिंता सता रही है, जिसके बाद विधायकों ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर विद्युत व्यवस्था का संज्ञान लेने के आग्रह किया है। वहीं में प्रैक्टिकल परीक्षा में अंक बढ़ाने को लेकर विद्यालय प्रशासन और परीक्षार्थियों में विवाद हो गया, जहां प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान विद्यालय में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं छात्रों पर लाठी डंडों से अध्यापकों को पीटने का आरोप लगा है। वहीं छात्रों ने विद्यालय में तोड़फोड़ के बाद छात्र के परिजनों ने कार्यालय में रखे दस्तावेज को फाड़ दिए। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला RSKD इंटर कॉलेज का है। तो अटक की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने को लेकर टीचर्स और जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि छात्रों पर आरोप लगा है कि उन्होंने टीचर्स को पीटा है। साथ ही साथ जो परिजन थे छात्रों के, उन्होंने दस्तावेज भी फाड़ दिए हैं। पौड़ी के टेरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के नव युवक यशपाल के दुबई से गायब होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि नव युवक की 3 मई को शादी होनी है। वहीं इस पूरे मामले पर यशपाल के पिता का कहना है कि उनकी सुबह ही बेटे के साथ बात हुई। यशपाल ने उन्हें कागजी कार्रवाई होने के बाद घर आने की बात कही। वहीं यशपाल के परिजनों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया है। कहा कि बेटे की सकुशल वापसी के लिए उन्होंने विधायक से संपर्क किया, बात फोन किया, वोट दिया उसको। हाँ। कम से कम बात सुन लेते। हाँ। बाद में बोलने लगे कि पत्थर लेके उनसे बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रही है। इसमें हमारे पास ये इसमें संज्ञान में बात आई थी, इसमें कि हमारे माननीय विधायक जी ने जिसमें कहा था कि हम भारत सरकार तक बात पहुंचाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि भारत सरकार तक इस बात को सुने और इस बात पे जांच बिठाए और जल्द जल्द इनको ढूंढने को, जिसकी क्योंकि इनकी 3 तारीख को इनकी शादी भी होना तय। गोरखपुर में एसटीएफ गोरखपुर यूनिट के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह की टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां एसटीएफ की टीम ने बस्ती से अपहरण किया गया 13 साल का बच्चा सकुशल ढूंढ लिया है। किडनैप करने वाले आरोपियों ने परिवार से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 किडनैपरों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में सुबह तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे खाई में जा गिरा। वहीं ट्रक पलटने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जहां आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वही अलीगढ़ में कार सवार बदमाशों ने मंडी गला व्यापारियों के साथ 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि कार सवार बदमाशों ने पहले व्यापारियों की बाइक को टक्कर मारी, वहीं बाइक गिरने के बाद घायल व्यापारियों का तमंचे के बल पर 5 लाख से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। बदमाशों की तलाश की जा रही है। अलीगढ़ के थाना आकराबाद क्षेत्र के गांव में समर सिविल बंद करने को लेकर नाबालिग बच्चे से जमकर मारपिटाई की गई। वहीं नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत देख नाबालिग को अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला थाना आकराबाद क्षेत्र के गांव मानाई का है।
हरदोई में पुलिस ने एक झोपड़ी में संचालित हो रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। वहीं पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से देसी राइफल समेत 10 बने हुए अवैध असलहे और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए हैं। आज जनपद हरदोई में थाना मझला पुलिस ने चार अभियुक्त में 10 देसी असलहों के, जिसमें कि राइफल है, तमंचे हैं, 12 बोर के, 15 बोर के ये रिकवर किए हैं, एक फैक्ट्री बरामद की है और भारी मात्रा में ये अस्त्र शस्त्र बनाने का साजो सामान बरामद किया गया है। अवैध असला फैक्ट्री चल रही थी, पुलिस ने छापेमारी की है और इस फैक्ट्री को बंद कराया है। यहाँ से चार लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। भारी मात्रा में देसी राइफल समेत 10 बने हुए अवैध असलहे और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए गए हैं। तो हरदोई का एक पूरा मामला है जहाँ पुलिस ने अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद फैक्ट्री को सील किया है, साथ ही साथ यहाँ से चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इनके पास से अर्धनिर्मित तमंचे, जिंदा कारतूस, तमाम चीजें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और इसी एक्शन की कड़ी में हरदोई में लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। अवैध असला फैक्ट्री, अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर रही है। जौनपुर में शाहगंज से विधायक रमेश सिंह ने शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल परिसर में बन रहे कोविड वार्ड के निर्माण कार्य को विधायक ने रोकने का आदेश दिया। विधायक ने कहा कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक रमेश सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों, हमें काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि CHC अस्पताल शाहगंज में जो कोविड अस्पताल बन रहा है 20 बेड का, उसमें गुणवत्ता पूर्वक यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार यहाँ की गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आज हमने एक औचक निरीक्षण किया और ये सही में हमने पाया कि यहाँ जो ईंट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मसाला बना रहे हैं ये गुणवत्ता पूर्वक नहीं है और इसका सैंपल लेके हम इसको लैब में भेज रहे हैं इसकी जांच कराने के लिए। तो जौनपुर का एक पूरा मामला जहां पर कोविड वार्ड के निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लग रहा है। विधायक यहां पहुंचे, विधायक ने निर्माण कार्य बंद करवाया, साथ ही साथ कहा कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से इस निर्माण कार्य को बंद करवाया जा रहा है। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जौनपुर में विधायक रमेश सिंह शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान अस्पताल परिसर में बन रहे कोविड वार्ड के निर्माण कार्य को विधायक ने रोकने का आदेश दिया। विधायक ने कहा कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक रमेश सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी तरह की कोई भी लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो जौनपुर का एक पूरा मामला है जहां पर जिला अस्पताल में अचानक विधायक जी पहुंचे और यहां पर जायजा लिया है, औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में ही कोविड वार्ड तैयार किया जा रहा था, ऐसे में विधायक ने इस कार्य को रुकवा दिया। कहा कि इस कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसी वजह से इस कार्य को हम रुकवा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जौनपुर में कोविड वार्ड के निर्माण कार्य में धांधली के आरोप लग रहे हैं, इसी वजह से इस कार्य को रुकवाया गया है। विधायक ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि ये काम बंद हो और जो भी इसमें आरोपी है उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो जौनपुर की तस्वीरें
जहां पर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए विधायक रमेश सिंह पहुंचे और यहां उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान कोविड वार्ड बनाने का जो काम चल रहा था उसे रुकवा दिया। उनका कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, जिस वजह से कार्य अभी पूरा नहीं किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोग युवक की मौत का कारण डायलिसिस सेंटर पर लगा रहे हैं। दरअसल सीएमएस का कहना है कि बगैर डॉक्टर के टेक्नीशियन और मैनेजर द्वारा मृतक युवक का डायलिसिस किया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सेंटर को बंद करने के नोटिस भी दिए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर डायलिसिस के दौरान युवक की मौत हो गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद सेंटर को बंद करने के यहां पर नोटिस भी दिए गए। तो लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोग युवक की मौत का कारण डायलिसिस सेंटर पर लगा रहे हैं। दरअसल सीएमएस का कहना है कि बगैर डॉक्टर के टेक्नीशियन और मैनेजर द्वारा मृतक युवक का डायलिसिस किया जा रहा था, इसी दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सेंटर को बंद करने के यहां पर नोटिस जस्पा कर दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पर इंडिया के साथ।